चार छः आठ वेस्टर्स से दो चार आठ सोलह है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि श्रेणी अगर एपी में है या नहीं है। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसकी डी वन और डी टू निकालेंगे। अगर ये एपी में है तो इसके आगे के कितने पद, तीन पद मतलब पांचवा, छठा, सातवां निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ ए वन ए बराबर दो और डी वन बराबर ए टू माइनस ए वन बराबर चार माइनस दो बराबर दो और डी टू बराबर है ए थ्री माइनस ए टू। तो ये हो गया ए थ्री आठ है, आठ माइनस चार बराबर कितना हो गया चार। यहाँ चूँकि डी वन इज नॉट कल टू डी टू, ए पी में नहीं है, बस अगर ए पी में नहीं है तो आपको निकालना नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो पाँच बटा दो, तीन सात बटा दो बेस्ट है। तो डी वन बराबर ए टू माइनस ए वन, पाँच बटा दो माइनस दो ये हो गया पाँच माइनस चार एलसीएम ले लो एक बटा दो आ गया। डी टू बराबर ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री आपका तीन है, तीन माइनस पाँच बटा दो इसका एलसीएम ले लो। हमेशा इसको बराबर क्या करो, नीचे एक लगाया करो, दो तीन छः माइनस पाँच बटा दो बराबर एक बटा दो। चूँकि डी वन बराबर डी टू तो ए पी में है, ठीक है। अब ए पी में है तो इसके आगे के तीन पद पाँचवा ए फाइव बराबर ए प्लस फोर डी और ये बराबर आपका हो गया ए आपका कितना है आप देखो दो, डी कितना निकल रहा ए एक बटा दो, चार गुणे एक बटा दो, दो से दो कट गया तो दो जमा दो बराबर चार आ गया। सिक्स बराबर ए प्लस फाइव डी, तो दो प्लस पाँच गुणे एक बटा दो, दो जमा पाँच बटा दो ऐसे ले लो, दो दूने चार, पाँच बटा दो बराबर नौ बटा दो हो गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। ए सिक्स आ गया, ए सेवन निकाल लो, पहला दूसरा तीसरा। ए सेवन बराबर ए प्लस सिक्स डी, ए है आपका दो प्लस छः गुणे एक बटा दो, दो से दो कट गया तीन आएगा तो दो जमा तीन बराबर पाँच, ये भी आंसर आ। तो ए फाइव बराबर चार, ए सिक्स बराबर नौ बटा दो और ए सेवन बराबर पाँच और ये आपका आंसर, ठीक है। तीसरा पार्ट लेते हैं, तीसरा पार्ट है माइनस वन पॉइंट टू, माइनस थ्री पॉइंट टू, माइनस फाइव पॉइंट टू, माइनस सेवन पॉइंट टू बेस्ट है। डी वन बराबर ए टू माइनस ए वन माइनस थ्री पॉइंट टू माइनस माइनस वन पॉइंट टू, माइनस थ्री पॉइंट टू प्लस वन पॉइंट टू बराबर माइनस टू पॉइंट जीरो। डी टू बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर यहाँ पर माइनस पाँच दशमलव दो, माइनस माइनस तीन दशमलव दो बराबर हो गया माइनस पाँच दशमलव दो प्लस तीन दशमलव दो, तीन दो पाँच दो दशमलव जीरो यहाँ भी आ गया। चूँकि डी वन बराबर डी टू ए पी में है, ठीक है, जब ए पी में है तो आप निकाल लो ए फाइव बराबर ए प्लस फोर डी, ए आपका है माइनस वन पॉइंट टू प्लस फोर इंटू माइनस टू पॉइंट जीरो, वन पॉइंट टू माइनस चार नहीं आठ एट पॉइंट जीरो और ये हो गया माइनस नाइन पॉइंट टू, ये आ गया, ठीक। ए सिक्स बराबर ए प्लस फाइव डी, वन पॉइंट टू प्लस फाइव इंटू माइनस टू पॉइंट जीरो माइनस वन पॉइंट टू माइनस दस दस मिनट जीरो
से 11 माइनस 11 दशमलव 2 सेवन निकाल लो। ये सेवन निकालेंगे तो a प्लस सिक्स डी ये हो गया माइनस 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस 2.0 ये हो गया माइनस 1.2 माइनस 12.0 माइनस 13.2 ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट था। तो आपने तीसरा निकाला था, इसके आगे हम आगे क्वेश्चन को निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसका तीसरा पार्ट सॉरी चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 और 2 दैट इज। तो डी वन निकालो, डी वन बराबर है 2 माइनस ए वन माइनस 6 माइनस माइनस 10 बराबर 4 आ गए। डी टू बराबर ए थ्री माइनस ए टू माइनस 2 माइनस माइनस 6 तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 6 बराबर 4 आ गए। चूँकि डी वन बराबर डी टू के ए पी में है, ठीक है, तो ए पी में है तो अब इसका निकालो ए 5 ए 5 बराबर ए प्लस 4d ए आपका माइनस 10 है, 4d आपका कितना है 4 है, तो ये हो गया माइनस 10 प्लस 16 16 में से 10 निकल गया 6 ठीक है। ये हो गया ए 6 बराबर ए प्लस 5d ए तो माइनस 10 है 5 बुढ़े 4 माइनस 10 प्लस 20 बराबर कितना हो गया 10 आ गए। 20 में से 10 गया तो 10 आ जाएगा। ए 6 के बाद ए 7 निकाल लो, ए प्लस 60 माइनस 10 प्लस 6 गुणे 4 माइनस 10 प्लस 24 कितना हो गया 14 आ गया। तो ए 5 ए 6 ए 7 आई बी के बाद फिर ये 5 आ जाए। तो डी वन बराबर ए टू माइनस ए वन 3 + √2 माइनस 3 कट गया कितना आ गया 2 डी टू बराबर ए 3 माइनस ए टू 3 + √2 माइनस 3 माइनस 2 ये ध्यान रखना ये प्लस 2 है लेकिन यहाँ माइनस लगेगा तो ब्रैकेट खुलने के कट जाएगा मतलब साइन बदल जाएगा। तो 2 √2 माइनस 2 बराबर 2 ये दोनों बराबर आ गया। चूँकि डी वन बराबर डी टू श्रेणी ए पी में है ठीक है, जब ए पी में है तो आगे का पद निकाल लो। आगे का पद निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आगे का पद निकालने के बाद ए 4 निकालना है सॉरी ए 5 निकालना है ए प्लस 4d ये आपका 3 + 4 √2 ठीक है यही आ जाएगा। ए 6 बराबर ए प्लस 5d 3 + 5 √2 ठीक है। ए 7 बराबर ए प्लस 6d और ए है 3 + 6 √2 ये हो गया आपका 6 निकाल लो
0.22 इस तरह से है, तो d1 बराबर a2 माइनस a1, तो 0.22 माइनस 0. यहाँ एक है दशमलव बाद, यहाँ दो है, तो इसमें आप जीरो बढ़ा लो, ये हो गया 0.0. d2 बराबर a3 माइनस a2, ये हो गया 0.22 माइनस 0.22. यहाँ एक जीरो और बढ़ाओ क्योंकि यहाँ तीन है, यहाँ दो, ये हो गया 0.002. तो चूँकि d1 बराबर नहीं है, d2 फिर a3 में नहीं है, निकालेंगे इसका सातवां. ठीक है, सातवां क्या है, ये लो, जीरो कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 12, ये है श्रेणी. तो d1 बराबर a2 माइनस a1 माइनस 4 माइनस 0 बराबर माइनस 4, d2 बराबर a3 माइनस a2 माइनस आठ प्लस चार बराबर माइनस चार. चूँकि d1 बराबर d2 ap में है, ठीक है, तो ap में है तो निकाल लो a5 बराबर a+4d, वही फार्मूला, a आपका 0 है प्लस 4 और d है माइनस 4, तो बराबर हो गया -16. ठीक है, एक ए हो गया, a6 बराबर a+5d, 0+5 × -4, ये हो गया 0, कोई मतलब नहीं, 5 × 20. ठीक, a7 बराबर a+6d और ये है 0+6 × -4, ये हो गया 0 -24 बराबर -24.